जब भी हम कोई नया सामान खरीदते हैं, या वो फ़ोन हो, बैग हो, लैपटॉप हो, बाइक हो, तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। और यदि वैसा सामान खरीदो जिसे खरीदने की चाहत बहुत दिनों से आपके मन में है, तो वैसा सामान खरीदने के बाद जो आपकी खुशी है वो कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा ये आपको भी नहीं पता होता है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चौधरी और एक नए इंस्पायरिंग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो पिछले वीडियो में जो मैंने लैपटॉप परचेज किया था, तो उस वीडियो में मैंने उस लैपटॉप का डब्बा खोल कर चुका था, लेकिन ज़रूरी था कि घर आने के बाद भी एक बार फिर से डब्बा खोल किया जाए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डब्बा खोल करता रहता हूँ जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेता हूँ। मैं सोचा चलो इस प्रोडक्ट का दो बार डब्बा खोल करते हैं, एक बार शॉप में किया, एक बार घर पर करते हैं। यही है वो लैपटॉप, ये HP का गेमिंग सीरीज़ का लैपटॉप है। और गेमिंग सीरीज़ लैपटॉप के अंदर जो सबसे अच्छी बात होती है वो यह कि आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वीडियो एडिट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग में होता हूँ, और जब आप ट्रैवलिंग में रहते हैं और ट्रैवलिंग में भी आप चाहते हैं कि आपका वीडियो एडिट हो और अपलोड हो जाए, लेकिन जब तक एक अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का, एक अच्छे स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप आपके साथ नहीं होगा, यू कांट एडिट योर वीडियोज़। और अगर सिस्टम लेते हैं यानी कि कंप्यूटर डेस्कटॉप, तो उसे लेके हम कहीं चल नहीं सकते हैं, एक ही जगह पे आने के बाद आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद, काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने ये लैपटॉप ख़रीदा है। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, 256 GB का SSD है, और SSD लगने से किसी भी सिस्टम का स्पीड फास्ट हो जाता है, क्योंकि जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, SSD में ही इंस्टॉल होता है। और इसके रैम की बात करें तो इसमें 8 GB रैम है, और साथ ही 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, NVIDIA GeForce GTX 1650। और ये सभी चीज़ों के साथ लैपटॉप का जो स्पीड है बहुत ही फास्ट हो गया है। और मैं दिखा दूँ, वैसे तो पहले से खोल रखे हैं तो इसमें ऐसा कोई चाकू लगने वाली बात नहीं है कि इसे कैसे खोलें। तो ये दो बॉक्स टाइप के लगे हैं ताकि लैपटॉप उसमें सही से आ जाए, और जैसे वहाँ पे लैपटॉप मिला था फिर से वैसे ही मैंने उससे पैक करवा लिया था। तो ये रहा अपना लैपटॉप, और साथ में ही मिला है ये चार्जर। और जो मैंने पिछले 3 लैपटॉप था, उस तीनों लैपटॉप से अगर चार्जर की बात करें तो कहीं अच्छा चार्जर है, एक ही केबल है, लेकिन जो केबल का लेंथ है, ये केबल का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे पास इससे पहले से जो है उसका लेंथ बहुत अच्छा है, तो मैं पुराना वाला ही यूज़ करूँगा। और हाँ, एडाप्टर की बात करें तो एडाप्टर बिल्कुल पावर बैंक के लुक में है। मेरे पास एक पावर बैंक है, पावर बैंक आपको दिखाता हूँ, ये रहा पावर बैंक, और बिल्कुल पावर बैंक के लुक में ही ये एडाप्टर है जो कि लैपटॉप को चार्ज करेगा। और चार्जिंग भी आई होप सो कि फास्ट होनी चाहिए। और अगर इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 150 वॉट का ये चार्जर है। और ये है अपना लैपटॉप, मैंने ऑलरेडी आपको स्पेसिफिकेशन बता रखा है। गेमिंग लैपटॉप लेना मेरा एक डिज़ायर था कि मेरे पास एक गेमिंग लैपटॉप हो ताकि मैं बहुत आसानी से वीडियो एडिट कर सकूं। और जो भी इसका स्पेसिफिकेशन था वो मैंने आपसे बताया। और सबसे अच्छी बात, जो इसका कीबोर्ड है, इसके कीबोर्ड में लाइटिंग है। अगर आप नाइट मोड में भी कभी वीडियो एडिट करते हो या यूज़ करते हो या गेम खेलते हो, तो बहुत आसानी से आप कीबोर्ड यूज़ कर सकोगे। और लैपटॉप लेने के बाद मैंने वहीं पर शॉप पर ही इसमें कुछ जो हाई डिफिनेशन गेम होते हैं, हाई डिफिनेशन गेम इसमें मैंने इंस्टॉल किया, और वहाँ पर भी मैंने प्ले करके देखा। बहुत अच्छे स्पीड के साथ लैपटॉप चल रहा है। और कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फोटोशॉप हो या वो फिल्मोरा हो या
जो भी एडोब प्रीमियर प्रो हो, मैंने जो कोई भी सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप में इंस्टॉल किया, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड है। अब वीडियो एडिट करने के बाद समझ में आएगा कि वीडियो एडिटिंग के टाइम पे इसका स्पीड कैसा होता है। और जो सबसे अच्छी बात है, ये जो आप पीछे दो देख रहे हैं, दो पॉइंट, ये दोनों, ये इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और इसमें जो मदरबोर्ड है वो गेमिंग मदरबोर्ड है। अगर नॉर्मली आप कोई सिस्टम अगर लेते हैं ऐसे गेमिंग के लिए, तो आपको वहाँ पे मदरबोर्ड का खास ख्याल रखना होता है कि हम एक ऐसा मदरबोर्ड लें जो गेमिंग मदरबोर्ड हो, और गेमिंग मदरबोर्ड का जो स्पीड होता है वो नॉर्मल मदरबोर्ड से बहुत फास्ट होता है। और ये दोनों जो है, ये दोनों एग्जॉस्ट है। और अगर साउंड की बात करें तो इस लैपटॉप में ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह, यहाँ पे साउंड लगा हुआ है, ये बी एंड ओ का, ये यहाँ पे साउंड लगा हुआ है। और यहाँ पे टेक्सचर जो है, टेक्सचर बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, साथ ही फ्रंट से भी आपको एक एचपी का ब्रांडिंग मिल जाता है। और यहाँ पे एचपी अपने ब्रांडिंग के लिए कुछ चिपका रखा है, साथ ही यहाँ पे पवेलियन की ब्रांडिंग है, और इंटेल कोर i5 का, इंटेल का ब्रांडिंग यहाँ पे है, जी फोर्स जो एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे है, और साथ ही जो पवेलियन का एक ब्रांडिंग है बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो पवेलियन की ब्रांडिंग यहाँ पे है, इस जगह पे, यहाँ पे एक पवेलियन की ब्रांडिंग है, और दूसरा यहाँ पे है पवेलियन की ब्रांडिंग। और पवेलियन सीरीज़ में ये मेरा दूसरा लैपटॉप है, जो मेरा पहला लैपटॉप था जो मैंने 2009 में लिया था, वो भी पवेलियन सीरीज़ का ही लैपटॉप था, i3 सेकेंड और थर्ड जनरेशन, आई होप सो। और जैसे नॉर्मल कोई लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप में हम पासवर्ड एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने अपना पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद ये ऑटो लॉगिन हो जाता है। और आप देख सकते हो कि कितना कम टाइम लेता है ये लॉगिन होने में, बहुत कम टाइम में लॉगिन हो जाता है। कुछ भी अगर आप इसमें ओपन करना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हो, तो बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम लेता है कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें ओपन होने में। और अब से शायद वीडियो टाइम से आएगा, पिछले 3 वीडियो से मैं लगातार बता रहा हूँ कि वीडियो टाइम से आएगा। जी हाँ, वीडियो टाइम से ना आने का वजह कहीं ना कहीं यही एडिटिंग मशीन ही था। जो मेरा एडिटिंग मशीन था उसमें मुझे एक वीडियो को एडिट करने में इतना समय लग जाता था कि जितने समय में मैं इस मशीन पे 4 से 5 वीडियो एडिट कर सकता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं कंटिन्यूअसली लेके आता रहता हूँ। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।